डिग्निटी ऑफ लेबर के कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस और आंसर्स करने वाले हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल डिग्निटी ऑफ लेबर? डिग्निटी ऑफ लेबर से क्या मुराद है? डिग्निटी ऑफ लेबर मींस रिस्पेक्ट एंड वैल्यू गिवन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड लेबरर्स। लेबरर्स यहाँ मजदूरों को कहते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर से मुराद तमाम तरह के कामों और मजदूरों को दी जाने वाली इज्जत है। हाउ आर फार्मर्स द बैकबोन ऑफ सोसाइटी? किसान मुआशरे की रीढ़ की हड्डी किस तरह से हैं? फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी बिकॉज द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द फूड एंड क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर। किसान मुआशरे की रीढ़ की हड्डी हैं क्योंकि मुल्क की तमाम आबादी का इन्हसार उनकी पैदा करदा फसलों और खुराक पर होता है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ अहमद्स फादर एंड व्हाई डज ही कम होम टायर्ड? अहमद के अब्बाजान का पेशा क्या है और वो घर थके हुए क्यों आते हैं? आंसर है अहमद्स फादर इज फार्मर बाय प्रोफेशन। अहमद के अब्बा पेशे से किसान हैं। ही वर्क्स होल डे इन द फार्म्स। वो सारा दिन खेतों में काम करते हैं। सो ही कम्स होम टायर्ड, इसलिए वो घर थके हुए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज अहमद्स फादर हैव अ बम्पर क्रॉप एवरी ईयर? हर साल अहमद के अब्बा की फसल बेतहाशा क्यों होती है या बेनतहा क्यों होती है? अहमद्स फादर इज़ एन एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड फार्मर। अहमद के अब्बा पढ़े लिखे और तजर्बाकार किसान हैं। ही हैज़ अ बम्पर क्रॉप एवरी ईयर, उसकी हर साल बहुत ज़्यादा फसल होती है। बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स, उसकी महारतों की वजह से, यानी एक्सपीरियंस भी है तो एजुकेटेड भी है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोल्डन स्पैरो? बड़े सगीर को सुनहरी चिड़िया क्यों कहा जाता था? आंसर इज द सब कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड गोल्डन स्पैरो बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड बम्पर क्रॉप्स। बड़े सगीर को सोने की चिड़िया ज़मीन की जरखेज़ी और बहुत ज़्यादा फसलों की पैदावार की वजह से कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मे आ कंट्री प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? इस तरह एक मुल्क ज़राअत के मैदान में तरक्की कर सकता है। आंसर इज A country can progress in the field of agriculture by encouraging farmers. कोई भी मुल्क ज़राअत के मैदान में तरक्की कर सकता है किसानों की हौसला अफजाई करके। एंड इंट्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स, और मज़ीद ज़राअत में ज़्यादा पैदावार वाले कामों को मुतारिफ करा के।